हे दोस्तों नमस्कार, हमारे अपने YouTube चैनल टोटल हिस्ट्री IQ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे MPPSC फॉरेस्ट सर्विस प्री का रिजल्ट कब आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लेट हो गया है तो काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कब आ सकता है, तो आइए हम बात करते हैं। पहले दोस्तों बात करते हैं MPPSC जो 2017 हुआ था उसमें रिजल्ट कब आया था फॉरेस्ट सर्विस का। देखिए दोस्तों, 12 फरवरी को एग्जाम हुआ था 2017 में और 31 मार्च को रिजल्ट आ गया था, 45 दिन में लगभग, और इस दोनों का ही आया था एक साथ, मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ है। तो दोस्तों अब बात करते हैं 2018 में एग्जाम कब हुआ है। 2018 में एग्जाम हुआ है 18 फरवरी को, ठीक है, और ये रिजल्ट आया है। देखिए ये आप कब आया है, ये मार्च अप्रैल में आया है, 17 अप्रैल 2018, यानी आना चाहिए था 5, यदि इस हिसाब से देखें 45 दिन में, तो लगभग कितना डे लेट आया है, 12 दिन लेट आया है दोस्तों। तो आप चिंता ना करें, मुझे लग रहा है कि रिजल्ट आने ही वाला है 1-2 दिन में, क्योंकि ये लेट नहीं करेंगे, वैसे भी काफ़ी लेट हो चुका है काफ़ी लेट, तो दोस्तों 1-2 दिन में रिजल्ट आ ही जाएगा, आप चिंता ना करें। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यदि आपको और भी इसी प्रकार की वीडियो चाहिए, तो आप हमारे चैनल पर जाएँ, इसी पर नीचे देखें, और तो हमने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का और क्या पुराना कट ऑफ क्या था उसका वीडियो भी डाला है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।